मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू प्रवक्ता अजय आलोक जी, और इनसे मेरा सवाल है कि सर कैसे देख रहे हैं हम एमएलसी सीट को लेकर के, जो है खींचतान शुरू है जदयू एनडीए में? कोई खींचतान नहीं शुरू है भाई, कोई भी चुनाव के पहले सीटों के बंटवारे में आपसी सहमति बनती है और उसके तहत सारे दलों को उनके हिसाब से सीटें आवंटित की जाती हैं। स्वाभाविक है कि हर दल चाहता है कि उसे ज़्यादा सीट मिले, इसमें कौन सी नई बात है, ये हर बार होता है, इस बार भी हो रहा है। भी जो है दो सीटों के लिए स्वाभाविक है, क्यों नहीं मांगेंगे भाई, हम भी एनडीए का गठबंधन का हिस्सा है, मुकेश सहनी की पार्टी भी हिस्सा है, तो सबको ही अपना दावा मत पेश करेंगे। अब उसमें आपस में सहमति बन के नेता लोग फैसला, शीर्ष के नेता लोग फैसला ले लेंगे, इसमें कोई असहमति का सुर है ही नहीं इसमें। लेकिन जो महागठबंधन में स्थितियां बनी हुई है आरजेडी कांग्रेस में, भाई महागठबंधन तो है ही नहीं, कहाँ महागठबंधन भी देखने के लिए मिल रहा है, सवाल ही नहीं उठता एनडीए में ऐसी स्थिति मिल जाए, महागठबंधन कहाँ है? उपचुनाव में कांग्रेस अलग लड़ी, राजद अलग लड़ी, महागठबंधन कहाँ से आ गया? अरे ये महागठबंधन नाम भी नीतीश कुमार ने दिया था, और हमारे अलग होते ही सारा महागठबंधन टाइम टाइम फुस। यूपी चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? यूपी चुनाव में भी सीट को लेकर के बात बन नहीं बन रही है। यूपी चुनाव में बिल्कुल बात बनेगी, भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने सहयोगियों के बीच में सीट नहीं बांटी है, हमने उनसे आग्रह किया है कि इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कर लें, क्योंकि उनको हमें देना है, अपना दल को देना है, संजय निषाद जी की पार्टी को देना है, सब में वो सीट आवंटित करेंगे, दो तीन दिनों के अंदर यूपी चुनाव की स्थिति साफ हो जाएगी। शराबबंदी को लेकर देखिए, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जो कहा है उनकी बातों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि विधायिका कोई भी कानून बनाती है तो वो संविधान की हद में, संविधान का कस्टोडियन, संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कानून खराब है तो रद्द कर दे, नहीं कानून ठीक है तो फिर कानून का पालन तो होगा, एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसलिए समय पर न्याय भी मिलना चाहिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू प्रवक्ता अजय आलोक, उन्होंने साफ तौर से कह दिए कि जो सीटों को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ है तो ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है, लोकतंत्र में सबका अपना अधिकार है, और सभी पार्टी का ये आशा रहता है कि हमें सीट ज़्यादा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ सकें, ताकि पार्टी जो है मजबूत हो। इसी क्रम में जो जीतनराम मांझी दो सीट की जो मांग किए हैं, उस पर अजय आलोक का साफ तौर से कहना है कि उनका मांगना जायज़ है, हर पार्टी का ये उम्मीद करती है कि हमें सीट मिले, और यही आशा जो है जीतनराम मांझी भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से महागठबंधन में भी एमएलसी चुनाव को लेकर के घमासान मचा हुआ है, अब इस एनडीए किस तरह से निपटती है। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और साथ ही साथ न्यूज़ फाउंडेशन के फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।